हाय फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आप ऐसा यूनिट किस तरीके से याद कर सकते हैं, ऐसा यूनिट याद करने की ट्रिक्स। आज हम देखेंगे दोस्तों टेम्परेचर कन्वर्जन, किस तरीके से आप टेम्परेचर की डिफरेंट यूनिट से उनको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो टेम्परेचर की दोस्तों तीन यूनिट होती है। सबसे पहली यूनिट जो ऐसा यूनिट होती है वो है केल्विन, और अदर जो यूनिट है डिग्री सेल्सियस और डिग्री फारेनहाइट, वो अदर यूनिट्स हैं। डिग्री सेल्सियस को हम सब अच्छी तरीके से जानते हैं, जो हमारा वाटर है उसका फ्रीजिंग पॉइंट होता है डिग्री सेल्सियस, और उसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो होता है 100 डिग्री सेल्सियस। अब इनको केल्विन में देखते हैं दोस्तों। 0 डिग्री सेल्सियस केल्विन में होता है 273 केल्विन, यानी कोई थर्मामीटर केल्विन में नापेगा तो वो होगा 273 केल्विन से स्टार्ट। फिर हम देखते हैं दोस्तों 100 डिग्री सेल्सियस वो होता है 373 केल्विन होता है, और फारेनहाइट में देखें इसी को तो 32 डिग्री फारेनहाइट एंड 212 डिग्री फारेनहाइट होता है। अब देखते हैं दोस्तों इनको कन्वर्ट करने की ट्रिक्स। सबसे पहले हम देखते हैं पहला फॉर्मूला, 0 डिग्री सेल्सियस केल्विन में होता है 273 केल्विन, जो कि बहुत ही ज्यादा सिंपल है। यदि आपको सेल्सियस में कोई भी वैल्यू दी है तो आप उसको केल्विन में कन्वर्ट कर सकते हैं, सिंपली उसको 273 से प्लस करके। मान लीजिए आपको x डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करना है, तो आप सिंपली x को 273 से प्लस करेंगे और केल्विन में आपको वैल्यू मिल जाएगी। अगर यदि हमको पूछा है 25 डिग्री सेल्सियस केल्विन में कितना होगा, तो 273 से उसको प्लस करेंगे, आएगा 298 केल्विन। यदि हमसे पूछा है 100 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में करें, तो सिंपली 100 प्लस करके आप 373 केल्विन पे पहुंच सकते हैं। तो ये तो हो गया सिंपल है फॉर्मूला डिग्री सेल्सियस से केल्विन कन्वर्ट करने का। केल्विन से भी आप डिग्री सेल्सियस में सिंपली कन्वर्ट कर सकते हैं 273 को माइनस करके। यदि सीधा करना है 273 प्लस करेंगे, और उल्टा करना है तो 273 को माइनस करेंगे। अब हम देखते हैं दोस्तों थोड़ा टिपिकल और थोड़ा स्ट्रॉन्ग फॉर्मूला है डिग्री फारेनहाइट को आप सेल्सियस में कैसे कन्वर्ट करें, यानी कि डिग्री फारेनहाइट और सेल्सियस का कन्वर्जन का जो फॉर्मूला है वो आपको बता रहा हूँ। ये एनसीईआरटी से पूरे फॉर्मूले लिए गए हैं। तो दोस्तों देखिए डिग्री फारेनहाइट को फॉर्मूला सिंपल है, इसको मैं ट्रिक बता के याद करते हैं। फारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5 इंटू सी प्लस 32। दोस्तों हिंदी में जो अपॉन है उसको बटे बोलते हैं, तो 9/5 इंटू सी प्लस 32, ये इससे आप याद रख सकते हैं इस फॉर्मूले को। फिर 9/5 इंटू सी प्लस 32। अब यहाँ पे हम डिग्री सेल्सियस की जब जब वैल्यू रखेंगे तो वहां पर f की वैल्यू आपकी आराम से निकल कर आ जाएगी। यदि हम डिग्री सेल्सियस की जगह पर 5 रख देते हैं तो वहां पर फारेनहाइट की वैल्यू दोस्तों देख सकते हैं आप 9+32 यानी 41 आई है। इस तरीके से आप किसी भी टेम्परेचर की वैल्यू कन्वर्ट कर सकते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो कमेंट कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए। थैंक यू।